Assalamu alaikum, how are you all? I am Natasha Waqas. If you're watching for the first time, let me introduce myself. I am a certified beautician and a blogger too. So if you like my videos, don't leave without hit the subscribe button. And if you're my returning subscriber, then welcome back to my channel and thank you for watching and sharing my videos. So aaj ki jo video hai wo hai about Dermacos. As you guys are asking about Dermacos, Dermacos ka facial bata de, Dermacos ki skin polish bata de, Dermacos ki skin glow bata de, kaise karte hain. To I just want to tell you ki Dermacos jo hai wo bahut hi zyada wide range mein aata hai. Iske hain 4 types of facial and 3 types of iski skin polishing hai and plus 2 manicure and pedicure. यानि कि इसके इतने ज़्यादा wide range है और इसके जो facial हैं मैं भी आपको सिर्फ इनका इतने ज़्यादा detail में नहीं तो जो इसके जो 4 types of facial जो इसके आते हैं उसकी मैं आपको भी name बता देती हूँ और इसकी skin polish के बारे में भी आपको बता देती हूँ पर इनके detail में मैं आपको एक video के अंदर नहीं बता सकती. आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली फॉर ईद है कि अभी ईद में मिनिमम 4 डेज रह चुके हैं तो बहुत ही मुश्किल से मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकाला है और ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि ईद से 4 दिन पहले अगर आप ये फेशियल कर लेंगे तो ईद से पहले आपका जो फेस है वो ग्लोइंग और वाइट हो जाएगा और नीट हो जाएगा सही. और फेशियल जो है वो कम से कम 3 दिन पहले या 5 दिन पहले लाजमी कर लिया करें. बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन जो अगर रिएक्शन करती है आफ्टर फेशियल तो वो एक दिन या दो दिन में सेटल हो जाती है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो. आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट सॉरी उर्दू ओके मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके फेशियल कौन कौन से. इसका जो फेशियल है नंबर 1 वो है हर्बल एंड बोटनिकल फेशियल और जो इसका सेकेंड फेशियल है वो है वाइटनिंग फेशियल और जिसका थर्ड फेशियल है वो है एंटी एक्नी एंड एंटी ऑयलिंग और उसके अलावा जो इसका फोर्थ फेशियल है वो है एंटी एजिंग फेशियल और यू कैन से दैट लिफ्टिंग फेशियल. और जो इसकी स्किन पॉलिश है वो भी फुल उनका प्रोसीजर है. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक सिंपल स्किन पॉलिश जो हम करते हैं ब्लीच डाली बूस्टर डाला और वॉल्यूम डाला और इम्प्योरिटीज जेल सूदिंग शाइनर डाल के कि इट्स नॉट लाइक दिस. ये बहुत डिफरेंट इसकी स्किन पॉलिश होती है. इसका पूरा प्रोसीजर होता है. इसके अंदर सीरम डालते हैं और इसकी स्किन पॉलिश का जो रिजल्ट होता है वो इन स्किन पॉलिश का हो ही नहीं सकता. तो और जो इसकी स्किन पॉलिशेज हैं वो हैं 3 किस्म की. एक इसकी हर्बल और बोटनिकल स्किन पॉलिश है, एक इसकी है वाइटनिंग स्किन पॉलिश और एक इसकी है ग्लोइंग स्किन पॉलिश, फिर एक इसका है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर. और जो इसके एम्प्यूल्स आते हैं इस टाइप के बॉक्सेस में इसके आते हैं एम्प्यूल्स ओके इस तरह के बॉक्सेस में इसके एम्प्यूल्स आते हैं. और जिसके एम्प्यूल्स होते हैं वो 12 किस्म के एम्प्यूल्स आते हैं. उन सब के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और उनका यूज़ क्या क्या है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी. और इन 12 किस्म के एम्प्यूल्स के साथ आप और भी डिफरेंट काइंड्स के फेशियल कर सकते हैं. फ्रूट फेशियल आप कर सकते हैं, फ्लावर्स का फेशियल आप कर सकते हैं इन एम्प्यूल्स के साथ. तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उन एम्प्यूल्स के नाम के साथ उनका क्या यूज़ है और क्या बेनिफिट है वो मैं उसमें लिख दूंगी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लीजिएगा. जो आज जो मैं आपको फेशियल बता रही हूँ डर्माकोस का तो वो है वाइटनिंग प्लस ग्लोइंग फेशियल जो कि ईद के लिए है स्पेशली कि अगर आप ये फेशियल कर लेंगी तो आपका फेस वाइट ग्लो और फेयरनेस आपके फेस पे आ जाएगी. और इसका जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ तक रहता है, 3 मंथ तक इसका रिजल्ट रहता है क्योंकि मैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ. ये मेरा मोस्ट फेवरेट फेशियल है डर्माकोस डर्मा क्लियर जेंसन. ये मेरे मोस्ट फेवरेट फेशियल है. इसके स्टेप बता रही हूँ कि आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से अप्लाई करनी है और आपको वाइटनिंग फेशियल के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. और सेकेंड ये कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप उस पर कैसे वाइटनिंग फेशियल करेंगी और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उस पर कैसे वाइटनिंग फेशियल करेंगी और कौन सा एम्प्यूल आपको इसके लिए ज़रूरत पड़े. तो जो सबसे पहला स्टेप है इसका वो है फेस वॉश. फेस को अच्छे से वॉश करना. उसके लिए आपने यूज़ करना है इसका ये वाला फेशियल वॉश. तो इससे आपने इसको लेना है, एक पहले आपने अपने फेस को गीला कर लेना है, स्प्रे कर लें या फेस धो लें बेशक वॉश बेसन पे. तो या आपने टॉवल अपने बाउल रखा है कॉटन डिप की हुई है तो कॉटन से अच्छे से फेस पहले गीला कर लें. उसके बाद आपने इसको लेना है एक ड्रॉप क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झाग बनाता है और ये फोमिंग फेशियल है इसका. तो ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आपने इससे अपने फेस की अच्छे से क्लींजिंग करनी है सर्कुलर मोशन में और बिल्कुल स्लो मोशन सर्कुलर मोशन रखनी है, स्लो मोशन रखनी है और प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना फेस के ऊपर. और इसके बाद आपने फेस को इसका 3 मिनट आपने इससे अपने फेस की अच्छे से क्लींजिंग करनी है, फेस वॉश करना है और फेस को ड्राई नहीं करना. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग का. तो क्लींजिंग के लिए जो आपको 2 चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी स्किन है
मैच्योर और ड्राई, सॉरी, तो आप उसके लिए यूज करेंगे हेक्सागोनल, इसका स्क्रब है ये। अगर आपकी स्किन है नॉर्मल और यंग तो आप उसके लिए यूज करेंगे इसका, ये कुकम्बर का क्लींजर, इसका ये क्लींजर है। नेम और इनके पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि अगर आपको कुछ समझ ना आए, नेम वगैरह मेरा एक्सेंट जो है वो इस तरह का है कि आप लोगों को समझ नहीं आता अक्सर, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नाम और इसके साथ इसकी जो जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका जब आप ये केप खोलेंगी ना तो इसको इसके पहले ना आप इसके अंदर ना इसके स्पून दिए हुए होते हैं इस जगह पर, इसको आप इसके ऊपर ढक्कन को खोल के ना इसके निकाल लिया करें, यहाँ से जो इसके एप्लीकेटर हैं जिससे आपने निकाला, आपने इसमें फिंगर नहीं डालनी, इससे ना ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। आपने हमेशा इसके जो इसके साथ एप्लीकेटर दिए होते हैं निकालने के लिए, इससे आपने निकालना है, अच्छे से साइडन साफ करना है। उसके साथ इसका ये एक स्पून टाइप एप्लीकेटर दिया होता है, आप ये यूज़ किया करें, और उसको यूज़ करने के बाद साफ करके इधर ही वापस रख दिया करें, ओपन ना इसको रखा करें। तो इसकी मदद से आपने इसको निकालना है और इससे करनी है फेस की क्लिनजिंग, और ये भी 3 मिनट का स्टेप है। और इसके क्लिनजिंग करने के बाद सेम प्रोसीजर में क्लिनजिंग करनी है सॉफ्ट हैंड रख के। अगर आपने इसके स्टेप देखने क्लिनजिंग के तो जो मेरी मैंने क्यूट प्लस के फेशियल पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लिनजिंग के, स्क्रबिंग के, फेशियल वॉश के, मसाज के सारे स्टेप जो थे वो उसके अंदर डीपली एंड ब्रीफली बताए हुए हैं, आप वो वाली वीडियो मेरी चेक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आई बटन में उसका लिंक चला दूँ ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो उसको ढूंढने में। तो 3 मिनट आपने इसे क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद इस क्लिनजिंग को आपने रिमूव करके फेस धोना है और फेस को ड्राई करना है। हमने जब फेस वॉश किया था तो फेस ड्राई नहीं किया था, इसमें फेस को ड्राई करना है। और इसको ड्राई करने के बाद आपने जो इसका थर्ड स्टेप है वो है इसका टोनर अप्लाई करना है। ये है इसका टोनर, इसको आपने अप्लाई करना है। टोनर को अगर आपके पास कॉटन है हाथ में लेके कॉटन से अप्लाई कर लें। इसको आपने लगे रहने देना है फेस पे 5 मिनट के लिए। इसकी आपने पूरी फेस पे लेयर लगानी, इस तरह नहीं कि एक ड्रॉप ले लिया और अप्लाई कर लिया, इसको आपने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके फेस पे पूरी इसकी तह लगानी है, लेयर लगानी है। तो उसके बाद 5 मिनट बाद आपने चेक करना है कि जिस जगह पर टोनर आपका ड्राई हो गया है, इसका मतलब है कि ये वाली जो एरिया है आपका स्किन का ये ड्राई है, और जहाँ पे टोनर ड्राई नहीं हुआ स्किन सॉफ्ट लग रही है जिस जगह से कि टोनर अभी इस जगह पर है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया है आपका। ऐसे यूजुअली टी जोन जो होता है वो ऑयली होता है और वी जोन जो होता है वो ड्राई होता है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए उसके बाद आपने टोनर को रिमूव कर देना है, उससे ये होगा जो क्लिनजिंग आपके फेस पर रह गई होगी ना एक्स्ट्रा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो आराम से हमारे पोर्स में जाके उनको क्लीन करेगा। तो जो इसका नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब का, और स्क्रबिंग में जो अक्सर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फेशियल के अंदर सीरम या एम्प्यूल किस प्रोसीजर में यूज़ होता है, तो फेशियल के अंदर जो सीरम है या एम्प्यूल है वो स्क्रबिंग में यूज़ होता है और मसाज में भी यूज़ होता है और पेक में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रबिंग के लिए आपने इसका लेना है ये गावा ग्लो स्क्रब, इसका आता है ये, आपने इसका लेना है और ये आपने इसके अंदर आपने मिलाना है, इसका आता है मल्टी फ्रूट सीरम स्किन ग्लोइंग और वाइटनिंग फेशियल, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका आता है इस तरह का सीरम, मल्टी फ्रूट सीरम, और इसको आपने निकालना है इसके अंदर से, और ये इसके अंदर आपने ऐड करना है 1/2 पार्ट, यानी कि इसको आपने तोड़ना है, क्योंकि ये जो है ना शीशे के इसके एम्प्यूल होते हैं, और इसको आपने सीजर की मदद से ना सीजर को इसके सिरे पर मार कर उसको तोड़ना होता है, इस तरह के इसके एम्प्यूल होते हैं, और ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। इस टाइप के ये होते हैं इसके एम्प्यूल, एज यू कैन सी, इसको आपने तोड़ना होता है। इसके ऊपर ये ग्रीन सा निशान बना हुआ है, आई होप यू कैन सी, इस निशान के ऊपर आपने मारनी होती है सीजर, लेकिन इसको आपने पकड़ना होता है इस तरह से कि आपका सीरम ज़ाया ना हो, इस निशान पर अपने मार के इसको तोड़ना है, और उसके बाद हाफ सीरम आपने मिलाना है स्क्रब के अंदर और वो फेस पर लगाना है आपने, और उसको आपने 2 मिनट छोड़ना है कि पहले आप बेशक सीरम अप्लाई कर लें और बाद में आप स्क्रब अप्लाई कर लें अगर आप मिक्स नहीं कर सकती, उसको आपने छोड़ना है कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद आपने उसको हल्का प्रेशर रख कर लेकिन बड़े स्टेप्स के साथ करना है स्क्रबिंग फेस के ऊपर, और स्क्रबिंग करने के बाद ये आप 2 मिनट हमने छोड़ा और 2 मिनट स्क्रबिंग का स्टेप होगा, और उसके बाद इसको आपने रिमूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ ल्यूक वार्म। अगर आपको ये डर है कि आप इसको तोड़ेंगी तो आपका सीरम ज़ाया हो जाएगा, तो इसके एम्प्यूल के जो बॉक्स होते हैं ना उसके इस जगह पर इसका बाकायदा एक एप्लीकेटर होता है जिसके अंदर आप इसको फिक्स कर लें तोड़ने के बाद, तो उससे ये ज़ाया नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इसको निकाल के दिखा दूँ,
हाँ ये देखें, ये इसका इस तरह का ये होता है एप्लीकेटर, जिसके अंदर जब आप इसको तोड़ेंगे ना एम्प्यूल को, उसके बाद ये इस तरह से फिक्स हो जाता है। अभी तो मैंने तोड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ इसका प्रोसीजर। तो इस तरह से फिक्स हो जाता है, फिर ये इसको आपने ऊपर से इस तरह से खोलना है और वो निकाल लेना है ड्रॉप ड्रॉप जितना आपको चाहिए होगा। और ड्राई स्किन के लिए आपने यूज करना है इसका मल्टी फ्रूट सीरम, और अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपने यूज करना है विच हेजल, इसका सीरम आता है वो आपने ऑयली स्किन के लिए यूज करना है। हाफ सीरम स्क्रब में मिक्स करें या हाफ सीरम फेस पे पहले लगाएं बाद में स्क्रब अप्लाई करें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है, आप सबको पता है कि स्क्रबिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टीम का होता है, उसमें स्टीम के बाद हमने अपने फेस से साफ करने होते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह। तो स्टीम जो है वो ऑयली फेस पे और जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उस पर स्टीम नहीं देता है, क्योंकि स्टीम जो होती है जो उसके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनको मजीद एक्टिवेट कर देती है और उससे एक्नी ज़्यादा बढ़ने का खदशा होता है। तो बाकी उसके अलावा जो और टाइप ऑफ स्किन है उस पर आप स्टीम दे सकते हैं। तो स्टीम देने से पहले आपने इसका ये ग्रे लोशन आता है डर्माकोस का, इसकी आपने दो या तीन ड्रॉप लेके ना इसकी फेस पे तह बनानी है, नोज पे चीक्स वाले एरिया पे तह बना के उसके बाद आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आपने लेनी है 2 फीट के फासले से कम मिनिमम आपने 5 मिनट आपने स्टीम लेनी है। और स्टीम लेने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ टिश्यू प्रेस करके आप निकाल लें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, क्योंकि इसकी मदद से ना ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स ऑटोमेटिकली पोर्स से थोड़े थोड़े से लूज हो जाते हैं और आराम से टिश्यू की मदद से भी निकल आते हैं, आपको पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी किसी के ब्लैक हेड बहुत ज्यादा सख्त होते हैं जिन पे पिन लगाना मस्ट होता है। और एक और पॉइंट ये है कि आप ये प्रिकॉशन समझ लें कि आप अपनी ब्लैक हेड्स पिन खुद लेकर आया करें या फिर जिस पार्लर पर भी आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं या आप घर पे कर रही हैं तो अपनी ब्लैक हेड्स पिन सेपरेट रखें। इवन आप सिस्टर्स भी हैं तो भी अपनी ब्लैक हेड्स पिन आप लोग सेपरेट रखें। अगर आप पार्लर पे जाती हैं तो उनको बोलें कि आपके लिए न्यू पिन यूज करें, या आप अपनी पिन लेकर जाया करें, या उनसे आप पिन परचेज कर लिया करें न्यू जो रेपर में पैक हो। यूज्ड पिन कभी भी अपने फेस पे यूज ना करवाएं, इससे भी जो है जर्म्स ट्रांसफर होने का खतरा होता है और ब्लैक हेड्स मजीद इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। बाद ब्लैक हेड्स के बाद जो स्टेप आता है वो आता है मसाज का, क्योंकि आपके पोर्स जो हैं स्क्रबिंग बताया है डेड सेल रिमूव करती है और स्टीम के बाद जो है आपके पोर्स ओपन हो चुके होते हैं। तो जब हमने टोनर लगाया और टोनर से पोर्स को हमने क्लोज किया, ठंडे पानी से क्लोज किया, उसके बाद टोनर रिमूव कर दिया अच्छे से, उसके बाद जो इसका स्टेप है वो है मसाज का स्टेप। क्या बने मसल्स को रिलैक्स करना है, प्रेशर पॉइंट हमारे कौन से हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मसाज। तो मसाज के लिए इसका यूज़ करना है डर्माकोस की ग्रे क्रीम आती है वो मसाज के लिए यूज़ करनी है। और मसाज के अंदर जो आपका बकिया एम्प्यूल रह गया था ड्राई स्किन के लिए मल्टी फ्रूट और ऑयली स्किन के लिए विच हेजल, वो आपने इसके अंदर मिलाना है। कोली छोटी छोटी सी बाउल या कोली वगैरह आप लोग रख लिया करें अपने पास इस टाइप की, और इसमें मिक्स कर लिया करें। आपने ये लेना है ग्रे क्रीम लेनी है आपने 1 स्पून, और आपने इसमें जो बकिया एम्प्यूल रह गया था वो इसमें मिक्स करना है अच्छे से, और फिर वो फेस पे अप्लाई करना है और उससे मसाज करना है। और मसाज का दौरानिया है 5 to 7 मिनट्स। मसाज के स्टेप आप क्यूट प्लस वाली वीडियो में चेक कर ली। मसाज के बाद बारी है स्किन वाइटनिंग सीरम की, तो इसका आता है स्किन लाइटनिंग सीरम के नाम से इसका सीरम आता है। तो वो आपने निकाल के इसका सीरम, वो आपने इसका सीरम निकाल के सेम प्रोसीजर से आपने तोड़ना है, और ये सीरम जो है वो पूरा अप्लाई होगा, हाफ अप्लाई नहीं करना। ये सीरम आपने तोड़ के पूरा फेस पे अप्लाई करना है, और जो जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं या अगर आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन हुई हुई है तो उन जगहों पे आपने 2 टाइम अप्लाई करना है, और इसको आपने छोड़ देना है 7 मिनट। और 7 मिनट छोड़ने के बाद इसको अपने उंगलियों से हल्का हल्का सा मिक्स करना है फेस के अंदर। लेकिन आप इससे पहले मसाज क्रीम को अच्छे से फेस से स्पंज की मदद से रिमूव करना है कि कोई क्रीम आपके फेस पे ना लगी हो। अगर आपको डाउट है कि क्रीम लगी हुई है तो आपने टोनर लगा के उसके बाद टोनर रिमूव करना, उससे जो एक्सेस क्रीम होगी वो आपके फेस से रिमूव हो जाएगी। उससे ये होगा कि सीरम जो है अच्छे से आपके पोर्स के अंदर जाके अच्छे से वर्क करेगा, आपकी स्किन को लाइट करेगा, आपका कलर फेयर करेगा और स्किन पे ग्लो लाएगा। उसके बाद आपने ये सीरम फेस से रिमूव नहीं करना, और इसी के ऊपर ही आपने इसका जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है मास्क वो अप्लाई करना है। और अगर आपकी स्किन है ऑयली या सेंसिटिव तो आप इसका हाइड्रोक्सी के लिए यूज़ करें। अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप इसका जो बोटनिकल मास्क होता है वो यूज़ करें। और आपने जो सीरम लगा के छोड़ा था उसी के ऊपर आपने इस मास्क की तह लगानी है आईज़ और डार्क सर्कल वाले एरिया से दूर। लेकिन जो इसका बोटनिकल मास्क है वो आप आईज़ पे आईब्रोज वगैरह पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है कुछ इस तरह से इन लोगों ने बनाया है कि वो आपके बाल को
बालों को पुल या सक नहीं करता, वो सिर्फ आपके फेस पे ना स्किन को टाइटनिंग देता है और हाइड्रेट करता है स्किन को, क्योंकि वो मास्क है ही डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए, हाइड्रेटेड मास्क है वो, तो वो आप लगाएं। और मास्क जब ड्राई हो जाए तो इसको अच्छे से साफ कर दें। मास्क के दौरान बात नहीं करनी, बोलना नहीं, या इजिली आप आइज बंद करके कोशिश करें, अगर आपके पास घर पर खीरा है तो आप दो पीस खीरे के या आलू के स्लाइस काट के वो आप अपनी आइज पर रख लें, उससे आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। और आइज पर रखने से पहले इसकी ये मल्टी विटामिन क्रीम आती है डर्माकोस की, ये आप लाइट्स अपनी आईज पे लगा लें, आईज डार्क सर्कल्स वगैरह पे, और उसके ऊपर आप खीरे का पीस रख लें या आलू के स्लाइस काट के रख लें, उससे आपके डार्क सर्कल बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे इंस्टेंट। तो ये मास्क रिमूव, मास्क आपने लगाने नहीं देना, ड्राई हो जाए इसको रिमूव करना है आपने गीले स्पंज से। अच्छे से रिमूव करने के बाद डर्माकोस की फिनिशिंग क्रीम आती है, वो आपने लास्ट में फेस पे लगानी है। अगर आपके पास फिनिशिंग क्रीम नहीं है तो आप लास्ट में इसकी यही वाली क्रीम भी लगा सकती हैं, इसकी मसाज क्रीम है लेकिन ये मल्टीपर्पजेज के लिए यूज़ होती है, तो आप इसकी यही वाली क्रीम भी लास्ट में लगा सकती हैं बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में। मैं इसको ना एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाती है। तो ये आपने रिमूव नहीं करना लास्ट में, ये जो फिनिशिंग इसकी क्रीम है ये लगा के आपने इसको रिमूव नहीं करना। ये था इसका पूरा वाइटनिंग फेशियल और ग्लोइंग फेशियल का स्टेप्स। आई होप कि आप आज आपको इसका जो प्रोसीजर है वो ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आई तो आप लोगों मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को कमेंट्स में आपके रिप्लाई कर दूंगी इंशाल्लाह टाइम निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशली। और बाकी इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।